impressive performance, decent space, superb ride quality and handling along with good fuel efficiency. अगर आप एक compact SUV लेने का plan कर रहे हैं and अगर ये सब qualities आपको अपनी car में चाहिए, so today's video, today's review is for you. So welcome all of you to Autogeek Group and today I have the Jeep Compass with me. तो आज जो जीप कंपास का वेरिएंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है फ्रंट व्हील ड्राइव, या मैं बोलूँ 4x2 वाला वेरिएंट विद टर्बोचार्ज डीजल इंजन कपल विद 9-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स. तो क्या कुछ इसमें ऑफर होता है सब आपको बताऊंगा, डिटेल वॉक अराउंड दूंगा, उसके बाद क्या फील है इसकी वो दिखाने के लिए लेके चलूंगा एक प्रैक्टिकल ड्राइव में एंड फिर बात करेंगे मेरे कंक्लूजन की, मेरे वर्डिक्ट की. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. आज का रिव्यू इस 2024 जीप कंपास के साथ. एज यूजुअल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे बेसिक से. तो सी, इसमें आपको डीजल इंजन ऑप्शन ही मिलता है, 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन ऑप्शन. जो चीज़ नई की गई है इसमें, या मैं बोलूँ एक अब आपको लोअर वेरिएंट्स या 4x2 वाले वेरिएंट्स में मिल जाएगी, वो है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 9-speed का टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स. तो सबसे पहले फ्रंट की मैं बात करूँ तो जीप कंपास हमेशा से लुक में, स्टैंड में काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी अग्रेसिव. आप यहाँ से देखो काफ़ी अग्रेसिव बोल्ड वाली फील आती है. ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें आपको प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर का सेटअप मिल जाएगा. इसके नीचे वेरिएंट्स में एलईडी मिलेंगी बट वो रिफ्लेक्टर बेस्ड वाला पूरा आपको हेडलैम्प मिल जाएगा. यहाँ पे DRLs भी आपको मिल जाती है एंड द गुड थिंग इज आपको फॉग लैम्प भी दिया गया, वो भी एलईडी वाला. कमिंग टू द फ्रंट ग्रिल, तो जो जीप का एक वो सिग्नेचर डिजाइन है फ्रंट ग्रिल का, 7 एलिमेंट्स या 7 सेगमेंट्स वाला, वो आपको यहाँ मिलेगा. एंड ये जो स्लाइट चेंज मैं बात कर रहा था, स्लाइट चेंज की, वो आपको इसके फ्रंट ग्रिल के डिजाइन में हल्का बहुत वो मिल जाएगा. ओके, एंड यस फ्रंट कैमरा यहाँ पे दिया गया, दैट मीन्स 360 सराउंड व्यू कैमरा का फीचर आपको यहाँ मिल जाएगा. सो नाउ कमिंग टू द साइड ऑफ द 2024 जीप कंपास, तो व्हील्स का डिजाइन है जो यहाँ पे अलॉय व्हील्स का डिजाइन है, उसमें आपको एक न्यू डिजाइन मिल जाएगा यहाँ पे. एंड टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड क्लियरेंस, तो यहाँ पे आपको 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगी. नाउ कमिंग टू द रियर, तो रियर में ऐसा कुछ चेंजेस वगैरह आपको नहीं मिलने वाले, वही सटल येट अग्रेसिव क्लासी लुक जीप की आपको रियर से मिल जाएगी. रियर एलईडी टेल लैंप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, रियर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रियर वाइपर डिफॉगर सब आपको मिल जाएगा. एंड यस एस वेरिएंट ये है, टॉप एंड वेरिएंट बट 4x2 वाला है. दिस इज अबाउट द एक्सटीरियर्स ऑफ दिस 2024 जीप कंपास. इंटीरियर में लेके चलता हूँ, वहाँ क्या कुछ चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं डोर्स की. वैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ भी दिया गया है. ओके, तो डोर्स की मैं बात करूँ तो कंप्लीट ब्लैक फिनिश में, या मैं बोलूँ सिंगल टोन में आपको डोर का पूरा ओवरऑल लुक मिल जाएगा. एंड हर जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का यूज़ किया गया है. ठीक है, चाहे मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ भी सॉफ्ट टच है. एंड यहाँ पे तो लेदर फिनिश विद स्टिचिंग वगैरह सब दे रखी है, तो प्रीमियमनेस की वो झलक आपको यहीं से मिलने लग जाती है कंपास में. यहाँ पे आपको सीट मेमोरी फंक्शन भी मिलता है. नाउ कमिंग टू दी सीट्स, तो यहाँ पे आपको कंप्लीट लेदर फिनिश में सीट्स मिल जाएंगी. एंड ये जो परफोरेशन आप देख रहे हैं ना, तो इसमें वेंटिलेशन का फीचर भी आता है दोनों फ्रंट सीट्स में. एंड सिर्फ वेंटिलेशन नहीं, हीटेड सीट्स भी हैं, तो वेंटिलेशन प्लस हीटिंग दोनों आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है. एंड यस इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे इसमें. ये टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें आपको ड्राइवर एंड पैसेंजर दोनों इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगी. सो नाउ आई एम इनसाइड द जीप कंपास 2024 मॉडल. टॉप एंड वेरिएंट ये है, एस ऑप्शनल, तो आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश मिलने वाली है, चाहे मैं डैशबोर्ड की बात करूँ या इवन जो ए पिलर्स है, बी पिलर्स है, इवन ऊपर जो रूफ लाइनर है, सब में आपको कंप्लीट ब्लैक ट्रीटमेंट यहाँ पे मिलने वाला है. तो यहाँ पे आपको ऊपर कंप्लीटली सॉफ्ट टच फिनिश मिलती है विद दिस स्टिचिंग. एंड यहाँ पे कंप्लीट लेदर फिनिश मिलती है, यहाँ भी आपको स्टिचिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी. एंड यहाँ पे आपको ग्लॉसी ट्रीटमेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं, टेक्सचर वगैरह, बट एक ग्लॉसी फिनिश में है, तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. एंड पूरा ये सब कुछ यहाँ तक आता है. कमिंग टू द स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील में ऐसा कुछ चेंज नहीं है, जो पहले आता था कंपास में वही स्टीयरिंग व्हील आपको यहाँ मिल जाएगा. कंप्लीट लेदर फिनिश में स्टीयरिंग व्हील है, डी कट नहीं है. एंड यहाँ पे क्या कुछ मिलता है, यहाँ पे आपको सारे हेडलैम्प के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑटो हेडलैम्प के साथ ही आता है. नाउ कमिंग टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, तो यहाँ पे आपको 10.25 inches का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है. ओके, तो ये वैसा ही है जैसा हमने जो इंटरफेस वगैरह जो हमने जीप मेरिडियन में भी देखा था. तो
यहाँ पे आपको बहुत ही सॉर्टेड तरीके से, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले की गई है। नाउ कमिंग टू द इंफोटेनमेंट सिस्टम फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको 10.1 इंचेस का पूरा डिस्प्ले मिलता है एंड क्वालिटी वगैरह सही है, कोई इशू फील नहीं है, धूप वगैरह में भी ऐसा कुछ आपको फील इशू नहीं होगा। ओके, टच रिस्पॉन्स इज ऑल्सो गुड, वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये आता है। बट जो सीट वेंटिलेशन का कंट्रोल है ना, वो आपको सिर्फ यहीं से मिलेगा, तो अगर आपको सीट वेंटिलेशन ऑन या ऑफ करनी है तो आपको यहाँ जाके फिर करना पड़ेगा। सिमिलरली जो सराउंड कैमरा है, ठीक है, तो उसका कंट्रोल भी यहीं है, कोई डायरेक्ट बटन नहीं दिया गया उसका। एंड उसके नीचे आते हैं यहाँ पे आपको मल्टीपल बटन दे रखे हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, बहुत कन्वीनियंट रहता है कि हालांकि डिस्प्ले में भी सारे कंट्रोल्स हैं एसी वगैरह के, बट यहाँ भी दे रखे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको वायरलेस मोबाइल चार्जर भी दिया गया है, एक USB ए पोर्ट, एक USB-C पोर्ट भी दिया गया, दैट इज गुड। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आपको यहाँ पे मिल जाती है, एंड यस एज आई टोल्ड यू योर डीजल ऑटोमेटिक वेरियंट है 4x2, तो यहाँ पे आपको 9-speed ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाता है। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स, एक बहुत ही कम्फर्टेबल आर्मरेस्ट मिल जाती है जो काफी आगे तक आती है स्लाइड होके, तो काफी कन्वीनियंट हो जाता है आपके लिए, ट्रस्ट मी। एंड यस डिसेंट स्पेस आपको अंदर मिल जाता है, एंड यस सनरूफ के सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द फ्रंट ऑफ द जीप कंपास 2024 मॉडल। तो कमिंग टू द रियर सीट्स की मैं बात करूं, तो आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एंड कंप्लीट लेदर फिनिश एंड ऑल सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो नाउ आई एम इन द रियर कैबिन, स्पेस वगैरह का सीन है मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि स्पेस वगैरह सब सेम है जो पहले कंपास में आता था, स्टिल आई विल टेल यू। अभी आगे वाली सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है, मेरी हाइट अराउंड 5'6" 5'7" है, तो आप देख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे जो लेग रूम है वो मुझे सफिशियंट मिल रहा है, नी रूम मुझे सफिशियंट मिल रहा है, एंड इवन मेरे अकॉर्डिंग जो अंडर साइज सपोर्ट है वो भी मुझे सफिशिएंट मिल रहा है। हाँ, जो बीच में बैठेगा उसको थोड़ा सा इशू हो सकता है, एंड यस थोड़ा हम्प भी थोड़ा सा है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट्स, एक चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए टाइप का, एंड नीचे 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है। ओके, एंड यस और आपके कम्फर्ट के लिए यहाँ पे एक आर्मरेस्ट भी दी गई है विद 2 कप होल्डर, काफ़ी वाइड है तो दोनों रियर पैसेंजर्स के लिए कंफर्टेबल ये रहेगी। एंड इतना ही नहीं, जीप कंपास आती है लोडेड विद मेनी सेफ्टी फीचर्स जिसके डिटेल्स आप अपनी स्क्रीन में अभी देख पा रहे हैं। सो ये था एक वॉक अराउंड, एंड अब टाइम है इस जीप कंपास को ड्राइव पे लेके जाने का, आपको दिखाने का क्या कुछ इसकी फील है। सो हियर वी गो। सो नाउ आई एम ड्राइविंग द जीप कंपास डीजल ऑटोमेटिक। ओके, एज यूजुअल हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारे रिव्यू के पहले सेगमेंट से, दैट इज परफॉर्मेंस, एंड परफॉर्मेंस में ओवरऑल क्या फील है, क्या हर एक चीज की परफॉर्मेंस है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो इसमें आपको 2 लीटर का 2000cc का टर्बो चार्ज डीजल इंजन मिलता है, एंड जो मैक्सिमम पावर ये निकालता है वो है अराउंड 168 BHP के अराउंड, एंड जो मैक्सिमम टॉर्क इसमें आपको मिलेगा वो मिलेगा 350 Nm का। तो इंजन आपको काफी स्ट्रेस फ्री फील होने वाला है, इवन अगर आप इसे 100-110 पे भी ड्राइव करोगे ना, तब भी इसके जो RPM है वो बिलो 2000 रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है। 102 पे सेटल है, 102-103 पे, अभी 15 या 1600 RPM पे आप देख सकते हैं वहां पे कार चल रही है स्ट्रेस फ्री। ऐसे ही मैं आपको एक जीरो से मतलब एकदम पिकअप एक लेके दिखाता हूँ। ओके, तो कार एकदम अभी जीरो पे है, ट्रैक्शन कंट्रोल मैं ऑफ कर लेता हूँ, एंड यहाँ से मैंने AC भी ऑफ कर दिया। ओके, एक्सेलरेशन पैडल पूरा प्रेस है, अब मैं ब्रेक रिलीज करने वाला हूँ, 1, 2, 3। हंड्रेड क्रॉस मैं आपको दिखाता हूँ, मैक्सिमम लेके जाता हूँ, मतलब सी 125 132, 136, 145, 150, and 150 में भी कार की हैंडलिंग जबरदस्त है। सी यू विल लव इट्स ड्राइव, इट्स हैंडलिंग। ये सिटीज में आप ड्राइव करेंगे आपको कोई इश्यू फील नहीं होगा, लैक ऑफ पावर डेफिनेटली फील नहीं होने वाला सिटी में। ये टर्बो चार्ज इंजन है, हल्का सा आपको टर्बो लैक इनिशियली फील होगा, बट ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज 9-speed गियरबॉक्स है, तो वो कहीं ना कहीं उसको ना मिनिमाइज कर देता है काफ़ी हद तक, तो ज़्यादा फील नहीं होगा। एंड हाईवे पे भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी इसके पावर से, अगर आप सी ट्रिपल डिजिट्स मैंने आपको दिखाया, आप आराम से ट्रिपल डिजिट्स पे जा
जा सकते हैं, बट यस जब आप 100-110 पे ऑलरेडी चल रहे होते हैं एंड अगर आपको एकदम फिर क्विक एक्सेलरेशन चाहिए या क्विक ओवरटेक करने, तो आपको थोड़ा एक्साइटमेंट वाली चीज जो होती है ना वो थोड़ी कम फील होगी। सो अब मैं बात कर लेता हूँ ट्रांसमिशन की। सो इसमें 9 स्पीड टॉक कन्वर्टर गियरबॉक्स आता है। ओके सो सी, अगर आप आराम से चलाते हो कार, आप जेंटली कार चलाओगे, तो ये ट्रांसमिशन बहुत अच्छा रिस्पांस आपको देगा एंड जो गियर शिफ्टिंग है आपको फील भी नहीं होगा। ट्रस्ट मी, गियर अपशिफ्ट जो होते हैं अराउंड 1900-2000 आरपीएम पे गियर अपशिफ्ट हो जाता है अगर आप जेंटली कार चलाते हो। अगर मान लो आपको एक क्विक ओवरटेक करना है, आपको वो गियर डाउनशिफ्ट इमीडिएटली चाहिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली। इसी अभी कार मेरी 85 पे चल रही है, मुझे अब डाउनशिफ्ट चाहिए, मुझे पंच चाहिए, तो मैंने एक्सेलरेशन पेडल प्रेस किया पूरा हार्ड, अब पंच आया, तो थोड़ा सा डिले आपको फील होगा। एक चीज और जो मुझे फील हुई इसमें क्या, भी जैसे 93-94 पे कार चल रही है, ठीक है, अराउंड 1300 आरपीएम पे है, अब मैं हल्की सी ब्रेकिंग करूँगा ना, सी मैंने हल्की सी ब्रेकिंग करी तो ये फिर डाउन शिफ्ट ले गया। मतलब ये डाउन शिफ्ट ना थोड़ा, मतलब आपको लगेगा थोड़ा कंफ्यूज गियरबॉक्स हो जाता है जब आप थोड़ी ब्रेकिंग वगैरह करते हैं, ट्रैफिक में चल रहे हैं, बट वो फिर अपने आप अलाइन हो जाता है एंड वो सही गियर पे आ जाता है। तो ये चीज़ थोड़ी आपको फील होगी, बट अदरवाइज ऐसा कुछ परफॉर्मेंस में इशू फील नहीं होगा। एंड उसके बाद मैं बात करूँ अबाउट दी स्टीयरिंग व्हील, तो स्टीयरिंग व्हील का जो फील है, जो फीडबैक है, यू विल लव दैट, ट्रस्ट मी यू विल लव दैट। पीछे खाली है, मैं इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक्सप्रेसवे पे अभी ये सब चीज़ें। ओके मैंने इंडिकेटर फिर भी दे देता हूँ, लेन सी फीडबैक आप देखो 106 पे चल रही है, स्टिल द कंट्रोल इज रियली गुड, फीडबैक इज रियली गुड। मैं थोड़ा और स्पीड इंक्रीज कर लेता हूँ, अभी 120 के ऊपर चली गई है, ठीक है 123-124 है, स्टिल फीडबैक देखो। लेन चेंज करी, सी माइंड ब्लोइंग, कमाल का फीडबैक आपको इसमें मिलेगा। एंड उसके बाद मैं बात करूँ ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी मुझे फील हुई, कोई इश्यू आपको फील नहीं होगा। ब्रेक पैडल प्रेस करने का जो एक्सपीरियंस है वो ऐसा नहीं है कि बहुत लॉन्ग प्रेस करना पड़ रहा है, बहुत लॉन्ग ट्रैवल है ब्रेक का, शॉर्ट ट्रैवल ब्रेक पैडल का आपको फील होगा, बट जो रिस्पॉन्स है, जो बाइटिंग है, मुझे ठीक लगी, मुझे कोई इशू फील नहीं हुआ। एंड उसके बाद आप बात कर लेते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन थोड़े आपको स्टिफर साइड में फील होंगे, ठीक है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बट इसकी वजह से बहुत अच्छी आपको पूरी राइड क्वालिटी ओवरऑल मिल जाती है। हाईवेज पे आप चला रहे हैं 120-130 पे, बहुत स्टेबल कार फील होती है, प्लांटेड फील कार होती है, अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं है, एंड ट्रस्ट मी बॉडी रोल बहुत कम है इसमें। एंड जो बम्प्स वगैरह आते हैं या जो हल्का बहुत अनइवननेस रोड पे आती है, तो उस पर एक रिस्पॉन्स अच्छा है अगर आप आराम से निकालोगे, ठीक है, तो सस्पेंशन अच्छा रिस्पॉन्स देगी। ऑब्वियसली थोड़ी स्टिफ सस्पेंशन है, तो अगर आप स्पीड ब्रेकर्स या किसी जो गड्ढे वगैरह डीप होते हैं उसमें स्पीड से निकालोगे तो वो थट नॉइज थक करके आती है डेफिनेटली, बट हाँ कैबिन के अंदर का कंफर्ट नहीं बिगड़ता, वो अच्छी चीज़ मुझे इसकी लगी। तो ओवरऑल सस्पेंशन आर रियली गुड। सो दिस इज अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द जीप कंपास। सो अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज नॉइज एंड वाइब्रेशन। एंड सबसे पहले बाहर की आवाज़ों की मैं बात कर लेता हूँ। सो जो बाहर की आवाज़ें हैं वो बहुत अच्छे से डैम्प की गई हैं, आपको कोई आवाज़ परेशान नहीं करेगी। एंड उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इंटीरियर से कोई रैटलिंग नॉइज या डोर पैड में से कुछ आवाज़ें, तो मुझे तो अब तक फील नहीं हुई, ट्रस्ट मी। इंजन नॉइज पे मैं आता हूँ, ठीक है, क्योंकि कार आप चला रहे हो ना, आप एक बार चलाना शुरू हो जाओ तो आपको कोई वाइब्रेशन ऐसे फील नहीं होती कहीं पे भी, बट अगर आपकी कार ऐसे खड़ी है स्टेशनरी, न्यूट्रल पे मैंने डाल दिया कार खड़ी हुई है, तो आपको स्टीयरिंग पे बहुत हल्की वाइब्रेशन फील होगी, या हॉर्न पैड पे वाइब्रेशन आपको हल्की बहुत फील होती है, एंड सीट के नीचे बहुत ही माइल्ड वाइब्रेशन है। आप ऐसा फील करने जाओगे तो होगा, ऐसा तो आपको कुछ पता चलेगा नहीं। एंड उसके अलावा ऐसा तो मुझे यहाँ कोई मतलब फील नहीं हो रही, ट्रस्ट में, तो ये है। बट जब आप कार चलाना शुरू कर दोगे तो कुछ ऐसी वाइब्रेशंस आपको फील नहीं होंगी, है। सो दिस इज़ अबाउट द नॉइज एंड वाइब्रेशंस। एंड उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज़ ड्राइविंग कम्फर्ट एंड कन्वीनियंस।
सो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीटिंग कंफर्ट वगैरह की, जो ड्राइवर सीट है या पैसेंजर सीट है, इवन जो रियर सीट है, आपको कंफर्ट अच्छा मिलेगा। मेरी हाइट अराउंड 5'6" 5'7" है, तो अंडर थाई सपोर्ट मेरे हिसाब से मुझे सफिशिएंट फील हुआ। उसके बाद मैं ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस में बात करूँ विजिबिलिटी की, तो उसी वैसे विजिबिलिटी अच्छी है, विंडशील्ड का साइज बड़ा है, आपको कोई ऐसा इशू फील नहीं होता, साइड मिरर से भी आपको अच्छा खासा व्यू आ जाता है। एंड उसके बाद रीचेबिलिटी की बात करूँ तो कोई आपको इशू फील होगा नहीं रीचेबिलिटी का, सब आपके पास है चीजें इसमें। ओके, सो दिस इज अबाउट द ड्राइविंग कंफर्ट एंड कन्वीनियंस। एंड अब बात कर लेते हैं हमारे रिव्यू के नेक्स्ट सेगमेंट की, दैट इज फ्यूल एफिशिएंसी। तो अगर तो आप इसे बहुत ही ट्रैफिक में चलाओगे, आपकी ड्राइविंग मेजरली अगर सिटीज में, तो अराउंड 11 से 12 के बीच में एफिशिएंसी आपको दे देगा। एंड हाईवेज की मैं बात करूं तो हाईवे पे जो इसने मुझे दिखाया, हालांकि मैं 100 की स्पीड में कंटिन्यूस चला हूं, तो 18-19 इसमें शो हुआ है यहां पे डिस्प्ले पे। सो दिस इज अबाउट द फ्यूल एफिशिएंसी ऑफ दिस जीप कंपास डीजल ऑटोमेटिक। एंड इसी के साथ वी हैव कवर्ड ऑल मेजर एस्पेक्ट्स। ओके, एंड अब बात कर लेते हैं हमारे वर्डिट की, मेरे कंक्लूजन की। सो हियर वी गो। सो ये सब कुछ था इस जीप कंपास 4x2 डीजल ऑटोमेटिक के बारे में। अब टाइम है मेरे वर्डिट का, मेरे कंक्लूजन का। सो मेन पॉइंट पर आते हैं। मुझे लगता है आज भी लोगों के माइंड में एक जो पॉइंट रहता है कि जिस कॉस्ट पे आती है, जो टॉप एंड वेरिएंट इसका कॉस्ट करता है, उससे कम प्राइस में आपको हैरियर, एमजी हेक्टर एंड इवन एक्सयूवी 700 जैसी बड़ी कार, जो ऑब्वियसली इससे साइज में बड़ी है, आपको वो मिल जाती हैं। तो वाई टू गो विद जीप कंपास जो उससे थोड़ी एक्सपेंसिव है। ओके, पॉइंट ये है कि बेशक वो कार्स साइज में बड़ी हैं, या हो सकता है उनमें एक दो फीचर से ज़्यादा हो, बट जो चीज़ इसमें है वो उन कार्स में नहीं आपको मिलेगी। वो ये है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस, एक अच्छी राइड क्वालिटी, एक हैंडलिंग, जो हाई स्पीड में जब आप इसे चलाते हो ना, तो आपको वो डर नहीं लगता, आपको कॉन्फिडेंस लूज नहीं होता। जिस तरीके की राइड क्वालिटी, हैंडलिंग, ब्रेकिंग, जो परफॉर्मेंस ओवरऑल ये ऑफर करती है, वैसी परफॉर्मेंस उन कार्स में आपको नहीं मिलती। तो बहुत इजी वर्डिक्ट है अगर आप उनमें से हैं, कि अगर आपको एक ड्राइवर्स कार चाहिए, आपको मज़ा चाहिए कार चलाने का, फैमिली के साथ ड्राइव पे जा रहे हैं, हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, हायर स्पीड्स में ट्रैवल कर रहे हैं, बट आपको ये चाहिए कार आपके फुल कंट्रोल में रहे, एंड यस इसके साथ साथ जीप के नाम की रिलायबिलिटी तो आती ही है। तो ये था मेरा वर्डिक्ट, मेरा कंक्लूजन इस जीप कंपास के बारे में। एंड यस, ये 4x2 डीजल ऑटोमेटिक की सारी परफॉर्मेंस मैंने आपको दिखा दी। आपको कैसी लगी, आपके क्या व्यूज है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि और भी एक्साइटिंग कार्स में लेके आने वाला हूं। तो अब मैं आपसे मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में एक और एक्साइटिंग कार या बाइक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।